हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त ललित फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले कि आजकल HSRP एक सिक्योरिटी प्लेट चली तो पहले से थी, अब उसके ऊपर चलान कटना स्टार्ट हो गए हैं। बहुत से व्यूअर्स को सब पता होगा कि ये HSRP प्लेट है क्या, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है, जो IND वाली प्लेट के नाम से हम मोस्टली हम जानते हैं। तो अब उसके ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट ने चलान स्टार्ट कर दिए। अब चलान स्टार्ट कर दिए तो लोगों के अंदर डर है, ओबियसली मेरे अंदर भी डर था कि चलान ना कट जाए। चलान भी उसका कम से कम आपका 10,000 का चलान है और आपकी गाड़ी के अंदर कलर स्टिकर नहीं है। कलर कोडेड स्टिकर होता है कि आपकी गाड़ी पेट्रोल है, डीजल है या इलेक्ट्रिक है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एक स्टिकर अलाउड किया गया है। जैसे कि डीजल के अंदर एक ऑरेंज कलर का है और CNG पेट्रोल के अंदर एक ब्लू कलर का उन्होंने किया है, जिससे ये पता चल जाता है कि आपकी गाड़ी CNG है, पेट्रोल है या आपकी डीजल है, उस स्टिकर से देख के पता चल जाता है। और इस सिक्योरिटी प्लेट के तो आपको बेनिफिट तो पता ही होंगे कि ये काफ़ी मतलब कि हाई एडवांस सिक्योरिटी के साथ आती है, जिसके अंदर IND जहाँ लिखा रहता है उसके नीचे एक 10 डिजिट का नंबर लिखा रहता है। 10 डिजिट नंबर, अगर आप उस नंबर से क्या नाम है अपनी गाड़ी की सारी डिटेल पता कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को इसके बारे में चीज़ें पता नहीं है और चलान स्टार्ट कर दिए, और चलान भी बहुत हैवी है। आपको जैसे पता ही है कि 5500 का अभी करंटली चलान है, वैसे 10,000 रुपये का चलान है। तो अभी ये जो रूल है वो दिल्ली गाड़ियों के लिए है। अब इसमें दिक्कत ये आ रही है कि मोस्टली ये जो प्लेट है कहाँ से बनवाएं और कहाँ से लगवाएं। आप इसे क्या नाम है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इसकी साइट है, साइट में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और जहां से आपका कोई नज़दीक डीलर हो आप उसका एड्रेस दे सकते हैं, नहीं तो क्या नाम है आप होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे, वो मैं आपको करके बताऊँगा। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि बेसिकली वो स्टिकर किस टाइप के स्टिकर है, कहते हैं जैसे कि मेरे पास ये देखेंगे आप, क्या नाम है ये आपको दिखाई दे रहा हो, ये इस तरीके का स्टिकर है, आपको ब्लू कलर का स्टिकर है। आप ये देख रहे हैं कि मेरी गाड़ी के अंदर ये स्टिकर लगा हुआ है और मेरा 2018 वेरिएंट है, 2018 अगस्त का मॉडल है, इसके मेरे अंदर में लगा हुआ है। और मेरे आपको मैं लेके चलता हूँ मेरी गाड़ी के अंदर HSRP नंबर प्लेट भी लगी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ कहते हैं। ये देखिए, ये HSRP प्लेट है, इसमें IND लिखा हुआ है और ये 10 डिजिट का नंबर लिखा हुआ है, ये चीज़ होनी चाहिए। और ये देखिए एक चीज़ है, ये स्टिकर है, ये स्टिकर होना ज़रूरी है कहते हैं, जो स्टिकर बोल रहे हैं ना ये स्टिकर, स्टिकर के साथ एक ब्लू कलर का स्टिकर और लगता है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कहते हैं। और ये नंबर प्लेट दोनों इस टाइप की ही होनी चाहिए आपकी, IND वाली जो कोर्ट से आती है। और आप उसको ईजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको स्टिकर दिखा देता हूँ, ये स्टिकर है कलर कोडेड स्टिकर जिसको बोलते हैं, जैसे कि हमारी पेट्रोल है CNG है तो उसके लिए ब्लू कलर का उन्होंने अलॉट किया है ये स्टिकर। और एक स्टिकर ये वाला था जो मैंने आपको दिखाया था बाहर से, ये गाड़ी के ऊपर लगा होना चाहिए। और एक आपकी HSRP सिक्योरिटी प्लेट, वो ज़रूरी है। आप उसको आप ऑनलाइन ईजिली कर सकते हैं, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे तो आपका चलान वगैरह नहीं कटेगा और आप उससे बच सकते हैं, और इजी प्रोसेस है। अगर आपके पास ये कलर कोडेड स्टिकर नहीं है, आपके पास ये लगा हुआ, मेरे पास क्योंकि स्टिकर नहीं था, ये मैंने वहाँ से जाके अपने जहाँ से गाड़ी खरीदी थी मैंने शोरूम से जाके, उन्होंने मुझे ये स्टिकर दे दिया। और इजीली मैं इसको आपको ये स्टिक करूँगा, आपको दिखाऊँगा। और आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं इस वाले स्टिकर को ऑनलाइन, और इसकी 142 या 142 रुपये कुछ फीस होती है, जिसके अंदर ऑप्शन आता है कि आप नंबर प्लेट के साथ लेना चाहते हैं या मतलब कि सिर्फ कलर कोडेड स्टिकर और ये चीज़ लेना चाहते हैं, उसके लिए दोनों ऑप्शन दिए हुए गवर्नमेंट ने। मैं आपको साइट के साथ करके दिखाता हूँ कैसे अप्लाई कर सकते हैं, चलो मैं लेके चलता हूँ आपको। हेलो फ्रेंड्स, अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल से कैसे मतलब कि कर सकते हो।
आपको सीधा उसके गूगल के ऊपर ही डालना, www.bookmyhsrp.com दिल्ली, आप ही कर लेंगे तो ये बुक माई एच एस आर पी आ जाएगा। इसको क्लिक करेंगे, अब इसमें दो चीज़ दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो पूछ रहा है क्या नाम, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट विथ कलर स्टिकर। अगर जिनके पास नंबर प्लेट भी नहीं हो ना कलर ना स्टिकर है, स्टिकर जो मैंने आपको दिखाया था कि उस टाइप का स्टिकर नहीं है और नंबर प्लेट लगी हुई है, और अगर जो बंदे नंबर प्लेट लगवाना चाहते हैं और स्टिकर भी लगवाना चाहते हैं तो उनके लिए पहला वाला क्लिक करना पड़ेगा, पहला वाला क्लिक करना पड़ेगा। और जिनके पास नंबर प्लेट लगी हुई है और उनके पास स्टिकर नहीं है तो जिसमें लिखा हुआ ओनली कलर स्टिकर, कलर स्टिकर के लिए, पहले मैं आपको कलर स्टिकर के लिए बता देता हूँ। जैसे कि गाड़ी के हमने हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपका फोर व्हीलर है, थ्री व्हीलर है, आप जो भी गाड़ी है आपकी चूज़ कर लेंगे। जैसे कि हमारा है फोर व्हीलर, फोर व्हीलर क्लिक किया हमने। फोर व्हीलर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आता है सर्च योर व्हीकल मेक, अब यहाँ से करने के बाद हमारा मारुति है, हमने मारुति सेलेक्ट किया, दिल्ली नंबर और यूपी नंबर, उत्तर प्रदेश और दिल्ली का दोनों का दिखा रहा है ये कहते हैं सिर्फ, तो हमारा दिल्ली नंबर है तो दिल्ली नंबर का हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद अभी दिखा रहा है कि प्राइवेट नंबर है या मतलब कमर्शियल है, तो हमारी प्राइवेट नंबर है तो हम प्राइवेट नंबर करेंगे, जिनकी कमर्शियल को कमर्शियल कर लेंगे। अब जैसे कि इसमें ऑप्शन आ रहे हैं पेट्रोल डीजल सीएनजी प्लस पेट्रोल, और हमारा है सीएनजी प्लस पेट्रोल तो हम सीएनजी प्लस पेट्रोल करेंगे। करने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है, भारत स्टेज हमारी है BS3 है, BS4 है, BS6 है, उनके अकॉर्डिंग कर लेंगे। हमारा BS4 है तो BS4 क्लिक कर लेंगे, मेरी गाड़ी BS4 है। व्हीकल रजिस्ट्रेशन डेट कौन सी है, जो भी डेट है आपकी वो आप डेट डाल लेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका गाड़ी का नंबर डलेगा, DL जो भी है, DL12CN जो भी कुछ गाड़ी का नंबर होगा वो आप डाल देंगे, ठीक है ना, DL हो HR हो जो भी हो कहता आप उसके अंदर डाल सकते हैं। अभी तो ये दिल्ली के लिए है तो DL का ही नंबर डलेगा। जो चेचिस नंबर आ गया, इसमें इंजन नंबर आ जाएगा आपका, और इसमें फ्रंट लेजर कोड, फ्रंट लेजर कोड आप देखेंगे जो कि मैंने कि 10 डिजिट का नंबर दिखाया था नंबर प्लेट के ऊपर, ये फ्रंट वाला है। फ्रंट का मतलब आगे वाली नंबर प्लेट के ऊपर जो 10 डिजिट का नंबर पड़ा हुआ है उसके INDK के जस्ट नीचे लिखा होगा 10 डिजिट का AA करके, और ये रियर वाला है, ये पीछे वाला डाल देंगे, और गाड़ी जिसके नाम से है उसका नाम पूरा नाम आ जाएगा इसके अंदर, और आप अपनी email ID, ओनर का नंबर, बिलिंग एड्रेस जिसके ऊपर क्या नाम आप मंगाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, जो एड्रेस है गाड़ी के साथ या जो अभी आप अपना एड्रेस करना चाहें। सिलेक्ट स्टेट कौन सी आपकी, दिल्ली है, जो भी आप उस स्टेट कर लेंगे। अगर आपका GST है तो GST कर लेंगे, और सिटी है जो सिटी है वो सिटी डाल देंगे, और इसमें फिल करके आगे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको वो आएगा, कहते हैं ऑप्शन आएगा कि आप होम डिलीवरी चाहते हैं या मतलब कि एक डीलर के पास से लगवाना चाहते हैं, तो डीलर के पास से जब लगवाना चाहेंगे तो उसके अंदर आपका डीलर का एक एड्रेस आ जाएगा, और जो नियर बाय डीलर होंगे जो मतलब इनसे इनसे टाइप होगा तो उसका एड्रेस दिखा देगा, आप उस एड्रेस को क्लिक करके उसका एड्रेस दे सकते हैं, और वो आपकी फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट मांगेगा कि कौन सी डेट में अपॉइंटमेंट खाली है। टाइम शेड्यूल आएगा, टाइम शेड्यूल आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, 11 से 12, 2 से 4, 4 से 6 इस टाइप का टाइम शेड्यूल होगा, जिस शेड्यूल खाली होगा आप उसको सेलेक्ट करके अपॉइंटमेंट ले लेंगे। करने के बाद फिर आगे करने के बाद फिर आपकी फ़ीस कटेगी 143 कुछ की कटेगी अगर डीलर की ले रहे हैं। अगर नहीं आप होम डिलीवरी चाहते तो 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इसके अंदर आपकी जो फीस जो कटी होगी, फीस देखो ये फीस कटी है आपकी, ये 143 144 ये आपकी वो फीस कटी है इसके अंदर। आप इससे क्या नाम है आप अपना आगे कर सकते हैं। और एक चीज़ और दिखाना था आपको, ये तो ये हो गया आपका। अगर आपको नंबर प्लेट और वो उसके लिए करना पड़ेगा, उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। जैसे कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर आप क्लिक करेंगे, आप ही आएगा,
आपको टू व्हीलर है, थ्री व्हीलर है, जो भी है, जिस पे भी आपको नंबर प्लेट लगवानी है तो आप कर सकते हैं। जैसे कि आपका फोर व्हीलर है तो फोर व्हीलर पे क्लिक किया आपने, सेम प्रोसीजर वही है। अब इसमें दिखा रहा है फोर व्हीलर अप्रोक्सीमेट प्राइस रेंज इंक्लूडिंग फिटमेंट चार्ज 590 से लेकर 700 प्लस GST 18, तो मतलब कि ऑलमोस्ट इतना ही आता है। इसके बाद इसमें अगर आप घर पे मतलब कि अपने डिलीवरी फ्री डिलीवरी नहीं है, होम पे मंगाओगे तो उसका अलग चार्ज देना पड़ेगा। जैसे गाड़ी आपकी मारुति की है तो आप ये कर लोगे, दिल्ली है तो दिल्ली कर लेंगे, उसमें वही ऑप्शन आएगा कमर्शियल व्हीकल और प्राइवेट व्हीकल। हमारा प्राइवेट है तो प्राइवेट कर लेंगे। अब सेम वही आ रहा है, सेम प्रोसीजर वही चल रहा है, पेट्रोल CNG कर लिया, फोर व्हीलर लाइट मोटर व्हीकल है, नेक्स्ट करेंगे। अब सेम चीज़ वही आ रहा है, क्या नाम है आपकी BS3X से आधार है CX, ये चीज़ है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, DL जो आपका नंबर होगा गाड़ी का, चेचिस नंबर, इंजन नंबर, ओनर का नेम आएगा, ईमेल आईडी आ गई, ओनर नंबर आ गया, बिलिंग एड्रेस आ गया, स्टेट, जो भी स्टेट है आप से करना चाह रहे हो, आगे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट में भी वही सेम चीज़ें आ जाएंगी आपकी। सेम करने के बाद आपको वही मांगेगा, आपके आगे जाके वही प्रोसीजर हो जाएगी। आप डीलर से मंगाना चाहते हैं, डीलर पे मंगाना चाहते हैं, डीलर से लगवाना चाहते हैं तो डीलर का एड्रेस आ जाएगा, नहीं तो क्या नाम घर पे मंगाना चाहते हैं तो घर पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद सारी चीज़ें सबमिट करने के बाद आपको फिर एक आपकी फीस कटेगी। फीस कटने के बाद सबमिट हो जाएगा, सबमिट होने के बाद आपको एक मैसेज आ जाएगा, मैसेज इस तरीके का मैसेज आता है। मैसेज इस तरीके से योर HSRB बुकिंग ऑर्डर ID ये इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन ये मतलब कि आ जाएगा, ये दिखा रहा है व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर और द स्टेटस सक्सेस, इस टाइप से आ जाएगा। फिर आपकी जिस तरीके की बुकिंग होगी उस तरीके से आपको ये स्टिकर मिल जाएगा। अगर पुलिस वाला पकड़ता है तो ट्रैफिक पुलिस में अगर कोई पकड़ता है तो आप उनको ये चीज़ दिखा सकते हो ईजीली। ये ईजी प्रोसेस है, आप कहीं से भी मतलब करा सकते हो, बहुत बहुत आसान है, कोई डरने वाली।